आज की ताज़ा खबर ये है कि गुड मॉर्निंग बोलने का समय निकल चुका है, तो अभी सबको गुड आफ्टरनून बोल दो। गुड आफ्टरनून। सो इट्स ऑलरेडी 11 o'clock, और ऐसा नहीं है कि देर से उठे या देर से निकले। वी हैव ऑलरेडी डन 120 किलोमीटर्स, राइट? 120 किलोमीटर पहुँचने के बाद व्लॉग ओपन कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग लेजी, आई नो दैट। Hello friends, welcome back and thank you for tuning in once again to our channel. You're watching Counting Kilometers. If this is your first time here, we invite you to join our journey called Travel Life. You can do that by simply clicking the subscribe button and the bell icon so that you don't miss out on any of our future videos. And to keep in touch with us in real time, you can follow us on Facebook and Instagram. The handles are flashing right here on the screen. Well, as I said, it's already been 120 kilometers since the beginning of this day, or finally we are in the land of filter coffee. आई लव फिल्टर कॉफ़ी। और अब यहाँ पे जहाँ पे भी देखो चाय कम कॉफ़ी ज़्यादा मिलती है, और कॉफ़ी जो मिलती है बहुत बढ़िया मिलती है। अगले चार दिन मैं कॉफ़ी 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 करता रहूँगा, बिकॉज आई लव इट। कॉफ़ी ब्रेक इज ओवर एंड वी आर बैक ऑन द रोड। कहाँ पे है अभी? टेटा गुंटा, क्या नाम है यार इधर। सो वी आर राइट नाउ इन टेटा गुंटा, ओके, रिमेंबर द नेम। Rajamundri is another 85 kilometers. ऐसा रोड रहा तो एक घंटा नहीं, 16 घंटा। The time right now is 11:20. मतलब 12:30 बजे तक राजमंड्री पहुंच। और फिर कल विजयवाड़ा टू चेन्नई रोड, जो मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है, वो रोड करना है। Then we'll go to the Marina Beach also, चेन्नई का जो पहचान है। So there's a lot to come in this vlog. देखिए पूरा जरूर। फाइनली इट फील्स लाइक वी आर इन आंध्र प्रदेश। क्यों पता है? लुक एट दिस, वी हैव अ थाली फुल ऑफ लाइक राइस 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 एंड ईच एंड एवरीथिंग इज रसम राइस एंड दाल एंड समथिंग समथिंग समथिंग। नो चपाती, नो रोटी, एंड द होटल सेज दिस इज व्हाट यू विल गेट। खाना है तो खाओ। सो ओके, आई विल टेल यू द मेन्यू। नहीं, अद्वैत सर बताएंगे। सर, I don't know. Okay, this is one type of rice, second type of rice, third type of rice है किधर? नहीं है। And there's a lot of coconut. पूरी चटनी। पूरे हर चीज़ में coconut, coconut, coconut. So enjoy आंध्र प्रदेश। अरे यार इसमें ये भी है। ये क्या है? पूरी। What is it? कचौरी। पूरी। Sweet. Okay. Fine. अच्छी बात है। और कचोरी है, स्वीट कचोरी, पूरण है, चौथा पूरण, आपला पूरण पोळीचं पूरण असतं। ओके, सो दिस इज अगेन अ युनिटी इन डायवर्सिटी आयटम, गोल पूरण पोळी, फ्राईड पूरण पोळी। एनीवेज, मीट आवर होस्ट फॉर टुडे, योर राजकिरण। या हाय, दिस इज राजकिरण। सो टुडे आई एम होस्टिंग दीज पीपल, लाइक दीज राइडर्स इन राजमंड्री। आई वाज सपोज टू राइड फ्रॉम वाइजैग टू राजमंड्री विद यू पीपल, बट Unfortunately, I met with an accident, so I couldn't ride. Oh, are you okay? Yeah, I'm fine. I'm totally fine. Guys, this is the place. Whenever I come back to Rajamundry, it's for sure that I'm coming here for at least one meal. So it's time to leave from here now. अभी कितना जाना है? 160. Yeah. अरे कोई 60 बोला था, मैं बता रहा हूँ। मत जाना तो है। 160. 160 ना? थोड़ा कम बोलो, ज़्यादा मत बोलो। 160. एक तो भात खा ले। हाँ, जो बेटा है। और स्वीट खा ले, दही खा ले। राइस का के गाड़ी चलाना है अभी। गोप्रो में अगर ऐसा ऐसे ऐसे कुछ मूवमेंट आता है ना, तो समझ लेना कि मैं सो रहा हूँ। इट वॉज अ फास्ट एंड बोरिंग राइड फ्रॉम राजमंड्री टू विजयवाड़ा, एक्सेप्ट फॉर दिस वन प्लेस वेयर वी सॉ दिस ह्यूज ट्राइकलर होस्टेड राइट नेक्स्ट टू द हाईवे, लिटरली इन द मिडल ऑफ अ फील्ड। देयर वॉज नथिंग अराउंड इट, एब्सोल्युटली नथिंग, बट यस देयर वॉज सनसेट फॉर द बैकड्रॉप, सो वी चांस अपॉन इट एंड got some fabulous pics there. A very good morning, and look at there,
the rising sun welcoming us. We are on the streets of Vijayawada right now. And this road takes us to National Highway 65 as Google just. सुना क्या आपने? Google ने बताया National Highway 65. मुझे नहीं पता था. Well, anyways, the group is supposed to leave by 8 o'clock from Vijayawada. मैं और नितेश दो ही लोग आगे निकले हैं because there is a place that we want to visit. और वो प्लेस है यहाँ से 50 किलोमीटर गुंटूर और गुंटूर से 20 किलोमीटर ऑफ द वे. सो वो 20 किलोमीटर ऑफ द वे जाके प्लेस विजिट करके वापस गुंटूर में आके हम लोग पूरी टीम से मिलेंगे. अभी इंट्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा टाइम लेना नहीं था इसलिए जल्दी जल्दी बोल दिया. समझा नहीं होगा तो छोड़ दो, कहीं अच्छी जगह पर जा रहे हो उसमें ध्यान रखो. सो दिस इज अनदर वे द बाइकिंग ब्रदरहुड वर्क्स. अभी हम लोग रुके थे सिर्फ एक फोटो लेने के लिए. दिस एंटायर टीम केम फ्रॉम बिहाइंड. They are from Bameli, Vijayawada. Bameli ka Sunday breakfast ride. Bas mile do minute mulaqat hui and they said chalo hum breakfast ke liye ja rahe hain, waise bhi aap bhi hamare sath join kar lo. Let's see wahan tak ride to karenge sath mein. Whether we join for breakfast or not is a later part. After riding for around 10 kilometers with the Bajaj group, उनको टाटा बाय बाय कर दिया हमने और NH16 को भी टाटा बाय बाय कर दिया. As you can see, we are riding in the nature now. 12-13 दिन की राइड में पहली बार ऐसा लग रहा है कि कहीं अच्छी जगह पे राइड कर रहे हैं. अभी 6-lane हाईवेज देख देख के पक गए थे यार, सीरियसली. So let me tell you about where we are going. ये जो right side में दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है वहाँ पे. That is Kondaveedu 4. गुंटूर से 20 किलोमीटर अंदर है. और Kondaveedu 4 के बारे में special क्या है या उसकी history वगैरह वो अभी मुझे पता नहीं है. I'll find out and as usual screenshot चिपका दूँगा, पढ़ लेना. But the reason why we are visiting here is the road to Kondaveedu Fort. तो वो हम जाएंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन एक झलक उस रोड की यहाँ पे. This is where we are going to ride now. So I'm pretty much excited. Let's go. Here we are on the Kondaveedu Ghat road. अब बस हेयरपिन बेंड्स गिनते रहो. सी दिस, वाओ, ऑल दोज व्हाइट लाइंस दैट यू सी, दैट इज द रोड. बस ऐसे 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 करके चढ़ के ऊपर तक जाना है. ऑसम. फोर्ट तक आने के लिए वो हेयरपिन बेंड्स वाला ब्यूटीफुल सा रोड बनाया है और फोर्ट के अंदर घूमने के लिए ऐसा ऑफ रोड है. हर एक पॉइंट पे रुक के फोटोज ले रहे तो ग्लोव्स वगैरह निकाल के रखे हुए हैं. एंड सेकेंडली आई एम नॉट एबल टू व्लॉग प्रॉपरली बिकॉज देर आर लॉट ऑफ मंकीज ओवर हियर. तो वो बैग खोल के गिम्बल निकालना, माउंट करना, ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही है. सो इंस्टेड आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ फोटोज, तो वो फोटोज आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ. But one thing, take my word, this place is worth a visit. यहाँ पे बहुत सारे monuments हैं, बहुत से structures हैं, intact, देखने लायक, and you'll love it.
अभी अभी जो कसरत आपने देखी वो कसरत करके हम पहुंचे थे उस बुर्ज के ऊपर, और वहाँ टॉप पे जब पहुंचे तो वहाँ से पूरे सारे कर्व्स का एक साथ फोटो मिला। इतनी कसरत तो करनी पड़ती है अच्छे फोटो के लिए। यस, इट वॉज वर्थ एवरी पेनी, एवरी एफर्ट, मजा आया। वेल एनीवेज, नाउ द टाइम इज कितना, 10 o'clock, और अपनी पूरी टीम क्रॉस कर चुकी है हमारे लोकेशन को। सो वी आर सपोज टू प्ले द कैचअप गेम नाउ। तो अब मैं क्या करूंगा आपको पता है, लेट्स एक्टिवेट द भगाओ मोड वंस अगेन। भाई यार, साउथ इंडिया में तो कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिल रहा है। सी दिस, टोल प्लाजा के ऊपर फूड कोर्ट है, सही बात है। बाय द वे, जो भगाओ मोड़ के बारे में मैंने बोला था ना, मी एंड नितेश, वी डिड 82 किलोमीटर्स इन 42 मिनट्स, और 11:30 बजे मीटिंग का टाइम था ओंगोल में, और 11:22 पे हम लोग वहां पहुंच गए। तो उसके बाद एज यूजुअल द रोटरी प्रोटोकॉल मीटिंग, तो उसके बाद हुआ लंच, जिस टाइम साउथ इंडियन नहीं, मतलब उन्होंने बोला नॉर्थ इंडियन थाली, बट वो साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन में कुछ फर्क नहीं था, बट जो भी था बहुत टेस्टी था। ये थी थाली, बहुत बहुत सही थाली थी। एंड नाउ द टाइम इज 1:57, ऑलमोस्ट 2 o'clock, वी आर 300 किलोमीटर शाई ऑफ चेन्नई नाउ। बॉस अभी नींद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है, खाना खाने के बाद राइड करने का यही प्रॉब्लम है, रुक जाते हैं। ये बस स्टॉप अच्छा दिख रहा है, अरे एक नंबर, इसमें तो बेंच भी लगे हैं, सो जाएंगे थोड़ी देर, लगाऊंगे गाड़ी ऊपर ही, एक नंबर। मेरे साथ नितेश भी आके रुक गया इधर, 20-25 मिनट मस्त बैठे थे इधर आराम से, छोटी सी झपकी, अभी वापस निकलते हैं फ्रेश। चलो लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो। थैंक यू बस स्टॉप। 60 किलोमीटर्स लेफ्ट टू रीच चेन्नई, एंड लुक एट दिस, दैट्स द बॉर्डर चेक पोस्ट, द स्टेट नंबर 12 ऑन दिस राइड। बीच में 3-4 स्टेट बॉर्डर्स ऐसे गई कि वो समझ में नहीं आए कब आए कब गए, बट दिस इज क्वाइट विजिबल। वी हैव क्रॉस्ड आंध्र प्रदेश एंड वी आर एंटर्ड तमिलनाडु नाउ, 12th स्टेट ऑन दिस राइड। वी ऑलरेडी रीच द सिटी आउटस्कर्ट्स ऑफ चेन्नई, एंड लुक एट दिस, सच ए क्यूट इमेज पोस्टेड ऑन दिस बस, लव्ड इट। कोई दुश्मन भी होगा तो पीछे से उसे ठोकेगा नहीं बस को, सो क्यूट। टाइम चेक फ्रेंड्स, इट्स 11 o'clock इन द नाइट। अभी चेन्नई पहुंचने के बाद क्या हुआ, क्यों इतनी लेट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सब बताने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे। नाउ यू ऑल नो द शेड्यूल इज कॉन्स्टेंट, उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा है। रोज पहुंचने के बाद वी आर बिजी विद द मीटिंग्स, विद द मीटअप, विद द डिनर, और सब करने के बाद जब हम होटल में रूम में पहुंचते हैं तो हालत होती है ऐसी। ये स्ट्रेचर नहीं है, दिस इज अ बेड बाय द वे, एंड ही इज ऑल फाइन, दिस इज नॉट अ पेशेंट।
सो आई हैड सेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस व्लॉग कि आपको चेन्नई का मरीना बीच एंड ऑल दोज थिंग्स यू विल गेट टू सी इन दिस व्लॉग, बट रात को मरीना बीच पे जाके कोई फ़ायदा तो है नहीं. तो अभी इस व्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करने वाला हूँ. बट टुमारो मॉर्निंग वी आर प्लानिंग टू राइड टू ECR, दैट इज ईस्ट कोस्ट रूट. तो ECR पे राइड करना है, कोवलम बीच पे जाना है सनराइज देखने के लिए, फिर वहां से महाबलीपुरम जाना है, महाबलीपुरम से कहाँ जाना है, कांचीपुरम, कांचीपुरम कांचीपुरम जाना है और कांचीपुरम से होके बैंगलोर के लिए निकलना है. सो टुमारो मॉर्निंग फर्स्ट हाफ वी विल बी डूइंग सम साइट सीइंग इन चेन्नई, इन एंड अराउंड चेन्नई आई वुड से, बट दैट यू विल गेट टू सी इन द नेक्स्ट व्लॉग. तो कल सुबह यहाँ से पूरी टीम की जर्नी जो चालू होगी यहाँ से बैंगलोर के लिए, और हमारी जर्नी चालू होगी यहाँ से बैंगलोर के लिए वाया दिस रूट. बट दिस इज अ मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर सीनिक रूट, दैट्स व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ. तो कल की जर्नी अगले व्लॉग में, अभी के लिए नितेश इज एक्सपर्ट नाउ इन क्लोजिंग द व्लॉग. क्या बोलना होता है? अभी के लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग काउंटिंग किलोमीटर, सब्सक्राइब आवर भाई चैनल. भाई एक मिनट मैं बोल देता हूँ, इधर 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 इधर, हाथों हाथों, गेट वेल सून. मैं मिलते हैं अगले व्लॉग में, कीप काउंटिंग किलोमीटर्स.